लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष सह रामापुर शनदिया पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश्वर पासवान के पिता स्वर्गीय छबिला पासवान की 13वीं पर संत देवराहा शिवनाथ जी महाराज के सानिध्य में हर कीर्तन एवं महाभंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पूर्व संत शिवनाथ दास जी महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद हर कीर्तन शुरू किया गया तथा दिवंगत छबिला पासवान के तैलचित्र पर आगत लोगों ने पुष्प अर्पित किया। छबिला पासवान के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में बिटेश्वर पासवान, पूर्व मुखिया मधुबाला देवी, मंजू देवी के साथ लोजपा रामविलास छात्र प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष यामिनी रंजन मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पिंटू तिवारी, संसदीय बोर्ड जिलाध्यक्ष शशिकांत त्रिपाठी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, जिला संगठन मंत्री कुंवर उपेन्द्र सिंह, छात्र प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अखिलेश पासवान, जिला उपाध्यक्ष ललन यादव, संतोष पासवान, महाराजा पासवान, सोनू पासवान, रंजीत पासवान, संजय प्रसाद, विनोद कुमार, विशाल चौधरी, रविन्द्र पासवान, अजित पासवान, विजय सिंह, डॉक्टर मिथिलेश कुमार, लीला शर्मा, अशोक कुमार त्यागी, कालीचरण प्रसाद, केशव प्रसाद, कुमार पासवान, हरेंद्र मुखिया, विनोद प्रसाद, चंद्रवंशी, प्रकाश कुमार, विजय पासवान, रबग्या राम, प्रकाश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला, रमेश रेशमिया, अजय पासवान, गेंदा सिंह, विजय यादव, पूर्व मुखिया अधिवक्ता धीरज कुमार, जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ की गेंदा सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान स्वर्गीय छबिला पासवान के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही भव्य हर कीर्तन का आयोजन देवराहा शिवनाथ दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसके बाद भव्य भंडारा का आयोजन हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। देखिये, हमारे पिताजी का देहांत 19 फरवरी को हुआ था और कल ही हम लोग जो हिंदू रीति रिवाज के जो अनुसार होता है कर्मकांड, तो श्राद्ध का कार्यक्रम हम लोग कल ही समाप्त कर दिए हैं और बर्खी उर्खी जितना भी होता है लोग करके आज सदगुरु संत देवराहा शिवनाथ दास जी के सानिध्य में हर कीर्तन का आयोजन और महाभंडारा का आयोजन किया गया था। क्योंकि देखिए, जो भी आज हम लोग के समाज में जितने लोग शिक्षित हो जाते हैं, धीरे धीरे धर्म से हटते हुए पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति की तरफ चले जाते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, अंतिम जब समय आता है सभी शक्तियाँ उनकी क्षीण हो जाती है, शरीर का कोई अंग काम करना बंद करता है तो भगवान अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कोई हो, किसी धर्म संप्रदाय को हो, अपने इष्ट देवता का जरूर याद करना चाहिए। और हमारे पिताजी धर्म को मानने वाले थे, राम राम कहा करते थे, हर कीर्तन में ज्यादा प्रेम रखते थे। पर डे 3 बजे भोर में स्नान करके 3-4 किलोमीटर दौड़ करके काली जी का पूजा, शिव जी का पूजा, राम जी का पूजन करते थे। और हम लोग भी आज उनके देहांत के उपरांत एक हरिराम हर कीर्तन का ही आयोजन किए हैं। क्योंकि आज सांसारिक लोग तो इस पर टिप्पा टिप्पणी करेंगे, सांसारिक लोग जश्न मनाते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा का नाच करते हैं, नाना प्रकार का नृत्य करते हैं, अश्लीलता उसमें उपयोग करते हैं। तो हम लोग का सभ्यता जो संस्कृति है, हम लोग के सदगुरु का जो निर्देश है, हमारे पिता जो हमारे आदर्श हैं, हम लोग को जो सिखाए हैं कि धर्म के प्रति जागरूक रहना है और उनको मानना है, बिना हरि का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने अंतिम में भी इनकी आत्मा की शांति के लिए भी हरि नाम का हर कीर्तन हम लोग करते हुए आज कार्य का समापन किए हैं और सभी लोग का महाभंडारा यानी प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं।